तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या गुणिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। हरिओम। जैसे कि आज आप सबको पता ही है कि हम यहाँ स्वामी हमारे स्वामी परम पूज्य स्वामी जी के जन्मदिन के उत्सव पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कि आज स्वामी जी का 60वां जन्मदिन वर्ष है। सबसे पहले चिन्ह मिशन के सभी मेंबर्स की ओर से हम सब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप जैसे कर्मयोगी कभी ना थकने वाले सरल स्वभाव वाले स्वामी मिले। आपकी प्रशंसा जितनी की जाए वह कम है। आप में पंक्चुअलिटी कार्यकुशलता स्टेमिना का जवाब नहीं। आप लगातार क्लासें लेते रहते हैं। अब भी आप उपनिषद श्री भगवद गीता की क्लास ले रहे हैं। आजकल आप श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय त्रिगुणों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसको भी हम अपने जीवन में उतारने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे टीचर हैं। व्यास गद्दी पर आप बहुत कठोर हैं और पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा है कि आपके क्लास में आते ही आलस प्रमाद तमोगुण को जाने कहाँ चले जाते हैं। आप बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं जिसके कारण सभी अलर्ट रहते हैं। क्लास में तो आप बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन उसके बाद हम सबके साथ आपका फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम की को हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आपको बता सकते हैं और आप उसे हल भी कर देते हैं। आप हर क्लास के लेक्चर व्हाट्सएप और यूट्यूब में भेजते रहते हैं, जो हम कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। हमने स्वामी जी के साथ बहुत से कैंप अटेंड किए। वहां हमें कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कि हम स्वामी जी के साथ जा रहे हैं। वहां ये हमारी बहुत ध्यान रखते हैं। अभी अभी हम अयोध्या होकर आए हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन पर भी आग पकड़ पकड़ कर इन्होंने हमें बिठाया, हमारा सामान भी उठाकर रखा। हर तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। मैं इन पर बहुत प्राउड है। अंत में मैं यही कहती हूँ कि हमें चाहिए जितना हो सके हम इनके ज्ञान का लाभ उठाएं, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार हैं। परमात्मा इनको स्वास्थ्य और दीर्घायु दे। हरि अब मैं मीनू जी से कहूंगी कि स्वामी जी के लिए कुछ शब्द बोले। 3 मिनट। ओ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुआपने गोविंद दियो मिलाए। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब पूज्य स्वामी जी के
जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। स्वामी जी आपको जन्मदिन की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। ये विशेष दिन आपके लिए खुशी, आनंद और शांति का आशीर्वाद लेकर आए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नाम ही आनंद और परमानंद, आपके नाम में तो आनंद और परमानंद छुपा हुआ है। माधवानंद, माधवन माने कृष्ण और आनंद यानी परमानंद, उसी आनंद का उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं, उसी ज्ञान का उत्सव हम सब मिलकर मिला रहे हैं जो आप हमें हर रोज देते हो। हम सभी आनंद, प्रेम और उत्साह से भरे हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में हमें श्रीमद् भगवद् गीता, श्रीमद् भागवत और उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे माता अपने शिशु को भोजन कराकर तृप्त करती है, आप भी हमें उस हाईएस्ट नॉलेज को सरल शब्दों में समझाकर हमारे मन को तृप्त कर रहे हैं। चाहे आप कहानियां सुनाकर हमें समझाते हो, चाहे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हो, हमारे मन के आंगन को आपने हरा भरा किया है। आश्रम तो हरा भरा हुआ ही है, लेकिन हमारे जो मन के अंदर, हमारा जो चंचल मन में भी कुछ दृढ़ता आई है। आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाना ही स्वामी जी आपका उद्देश्य है। स्वामी जी के साथ मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने ज्ञान यज्ञ में जगन्नाथ भगवान की ग्लोरी सुनाकर वही होटल में ही जगन्नाथ भगवान प्रकट कर दिए थे, और हमें भगवान के दर्शन करके जो तृप्ति हुई, जो आनंद आया, वो वर्णन से बाहर है। जैसा कि विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य ने लिखा है, मनुष्य मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का जो संग है वो पुण्य कर्मों से ही मिलता है। ये हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है जो हम आपको मिलने के बाद हमारे जीवन को देखने का जो विजन है वो चेंज हो गया है। आपके 60वें जन्मदिन पर आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामना करते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते रहो और मुस्कुराते बिखेरते रहो और हमें आशीर्वाद देते रहो। ये जन्मदिन आपके लिए एक नूतन वर्ष की शुरुआत का प्रतीक हो, जो प्रेम, प्रकाश और शक्ति से भरा हो। हमारे आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अति आदरणीय बापू जी, स्वामी जी, शत शत कोटि नमन। सर्वेभ्य हरि। जन्म दिवस उपलक्ष्य अनेकानि अनेकानि अभिनन्दनानि। त्वं शरदः शतं जीवतु अस्माकं सर्वेषां कृते महत् आनन्दः यत् अस्माकं मध्ये भवद्भिः सदृशं प्रकाशगृहं भवति। अस्मान् दुर्लभ ग्रन्थान् पाठयितुं भवन्तः बहु परिश्रम कुर्वन्ति। नाना शिविरेषु भ्रमणकाले च भवन्तः अतीव गतिशीला भवन्ति। सर्वे भक्ता त्वां पूर्ण भक्त्या पूजयन्ति, यतः त्वं तान् अतीव सम्यक् परिपालयसि। समापन दिने भक्तः रोदन्ति। अत्यन्तं प्रशंसनीयं यत् भवतः न केवलं भारतवर्षे अपि तु विदेशेषु अपि सहस्राणि सहस्राणि भक्ता सन्ति। गंगोत्री भ्रमणकाले भवतः कृते दुबईतः श्रीमती कंचन दासवानी महोदया एतादृशी भक्तिं दृष्ट्वा मम अपि अति प्रसन्नता अभवत्। भक्ता यत् किमपि अर्पयन्ति ततः भवन्तः प्रसाद रूपेण वितरन्ति। मुंबईतः
श्रीमान पवित्र जी एवं कल्याणी महापात्रस्य च भक्ति कारणात् एव समग्र समूहस्य बद्री विशालस्य केदारनाथस्य च विशेष दर्शनं भवितुम् अर्हति स्म। एते भक्ता स्वग्रामे गमन समये बालकाः इव रोदिति वन्तः। एतेन त्वं तेषां पिता माता च इति सिद्धम् अभवत्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चतुर्धाम अन्तरेण यदा भक्ताः तुङ्गनाथ मन्दिरस्य आधारं चौपटा नगरस्य गन्तुम् इच्छन्ति स्म तदा भवान् तेषाम् अनुग्रहं कुर्वान्। तथैव माताधारी देवी मन्दिरस्य भ्रमणस्य अपि प्रकरणम् आसीत्। भवतः प्रसादात् एव अस्माकं गुरुजी दर्शनं कर्तुं शक्यते स्म। ज्योतिर्मठम् इत्यत्र भवतः कारणेन एव अस्माकं विशेष स्वागतम् अभवत्। भवन्तः सर्वेषां सहजतां सुनिश्चितां कुर्वन्ति। स्वामीजी पुनः त्वां प्रणमामि अहम्। पुनः अहं कामये यत् भवन्तः अतीव सुखिनः स्वस्थं च जीवनं यापयन्तु। त्वम् अस्मान् स्वज्ञाने धन्यतां धारयन्तु। अत्यन्तं सुन्दरम् अत्यन्तं सुन्दरं सा सम्यक् रूपेण बहुत अच्छा अवदत्। किरण ने बहुत अच्छा संस्कृत में स्वामी जी के बारे में बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर शैली से लोग मिली के वहां के स्वामी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो हृदय से। और आपकी सेहत जो है तंदुरुस्त रहो लंबी आयु हो। मैं कोई पेपर नहीं लाई, मैं जितना भी बोलूंगी अपने मन से बोलूंगी। आज से 4 साल पहले स्वामी जी मोर देन 4 इयर्स व्हेन ही केम टू यहाँ पे चिन्मय मिशन में आए, चिन्मय यहाँ पे आए जागृति में, तो मेरे को वो सीन अभी तक याद है कि वी वर है यहाँ पे हमारा कोई स्टडी ग्रुप चल रहा था। वहां स्वामी जी ने एंटर किया तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये डॉक्टर शैली है तो इनकी आई कैन जस्ट मैं मेरे को वो शक्ल हमेशा याद रहती है, इनकी आंखों में चमक और हंसी, और वो हमेशा ही मेरे को एक जैसे बच्चा हंस रहा है तो मेरे को इन्होंने ऐसे वेलकम किया अच्छा ये है डॉक्टर शैली जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ। तो मेरे को कितना अपनापन लगा कि हाँ स्वामी जी मेरे बारे में इनको कैसे सभी ने बताया है कि डॉक्टर शैली पे आती है। उसके बाद मैं यहाँ से इनके साथ ऐसा नाता बन गया कि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी इनका जो है ज्ञान यज्ञ कोई भी ना मिस करूं, क्योंकि इनमें जब इन्होंने स्टार्ट किया जैसे हम लोग कहते हैं वैसे वैसे इन्होंने एडजस्ट किया। तो बट 4 सालों में हमने इनसे क्या सीखा, तो मैं सिर्फ यही नहीं कि हमने हाँ गीता पढ़नी सीखी हमने ज्ञान लिया, मैं इनसे जो मेरे को प्रेरणा मिली है नंबर 1 इज डेडिकेशन, डेडिकेशन टू द मिशन टू द मंदिर टू द साधक, जो इन्होंने डेडिकेशन के साथ इतना काम करते हैं। मैं कहती हूँ इतना एवरी छोटे से छोटा काम उसमें इनकी मैं मेरे को दिखता है कि हाँ ये कोई भी काम छोटे से लेके बड़े तक को इतने प्यार से करते हैं। सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगी क्योंकि 3 मिनट मिले सिर्फ। तो डिसिप्लिन ऐसे है कि मैंने देखा कि भागवत करवाई कोई भी हम इनसे ही ज्ञान ये टाइम पे स्टार्ट करके मेरे को लगता है कि हम लोग तो वैसे खो जाते हैं, जब ये बोलते हैं तो हमें नहीं पता चलता हम कहाँ पहुंच गए, इतना रस है कि पानी में। तो ये एग्जैक्ट उसी टाइम मेरे को लगता है आज स्वामी जी से पूरा नहीं होगा, पर ये उस टाइम पे ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं। वे इनकी जो है डिसिप्लिन के हाँ इतने टाइम पे मैंने ऐसे करना है, उतने पे खत्म कर देना है, इस टाइम पे मैंने आना है, और इतने दिन मैंने गीता कई बार मेरे को लगता है कि स्वामी ने आज वही श्लोक पढ़ाए हैं कैसे 5 दिन में पूरा करेंगे, पर ही इज सो पंक्चुअल ही इज सो डिसिप्लिन्ड इन एवरीथिंग।
तो ये पूरा कर देते हैं। थर्ड थिंग जो मैंने इनसे सीखी वो है ह्यूमिलिटी। तो ये इतने मैंने कोई भी गुरु आज तक इतने हम्बल नहीं देखे। हम कुछ भी इनके साथ देखो, जब ये व्यास गति पे बैठे हैं देन डिफरेंट, देन हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो डिफरेंट। यू नो इनको सबसे अच्छी क्वालिटीज जो है मैंने इंसान में किसी में देखी, तो ह्यूमिलिटी जो सीखनी है हमें। हम लोग तो बहुत इगोइस्टिक पीपल हैं, हमें सीखना है इनसे कि कैसे हमने अपने आप को इनकी तरह थोड़ा बनाना है। कंपैशनेट, ही इज वेरी कंपैशनेट टू द सबॉर्डिनेट्स। इन्होंने कभी, मैं हमेशा देखती हूँ कि ये नहीं कि जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं जितने भी, उनके साथ हर एक का फैमिली का दुख सुख सब के शेयर करते हैं। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात ज्ञान, ये ज्ञान के भंडार है। इनसे जितना भी मैंने सीखा अभी 4 साल में, मैंने 15 में ज्वाइन किया था, 15 के बाद ये आते हैं 20th में, तो उसके 4 साल में मैंने जो सीखा, जितना मैं टाइम डिवोट करती हूँ मैं कहती हूँ बहुत, मतलब के अंदर चला जाता है। और फिर सेकंड थिंग, हमारे तो दिमाग जो है सीनियर सिटीजन है जो भी है इतना मूड मत है, तो जो बार बार ही हैमरिंग द थिंग्स इनटू आवर ब्रेन्स, बार बार हर एक लेक्चर में हमें लगता है हम जाके फिर नोट्स बनाते हैं, फिर देखते हैं इस बार पक्का स्वामी जी को आंसर करेंगे, बट देन दिस इज द बेस्ट थिंग। यू नो हम आते हैं फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं देखते हैं, कभी हम इधर उधर देखने लग जाते हैं कि इनसे आंख ना मिले, बट देन ही नोस कि हाँ हमारा इतनी कैपेसिटी है। तो इसके बाद ऐसे नहीं, स्वामी जी इतने सॉफ्ट भी नहीं है, यहाँ पे स्टैंड लेनी है, सरल भी बहुत है। तो ये जैसे डिसिप्लिन जो कोई मान करेगा उसके लिए ही इज वेरी स्ट्रिक्ट है। सो थर्ड जो सबसे अच्छी चीज लगी कि एक रिश्ता होता है माँ का, माँ का रिश्ता होता है जिसके पास जाकर हम अपने सारे दुख सुख सारे शेयर कर लेते हैं। सेम रिश्ता मेरा तो इनसे है, मैं कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, कोई भी मेरे को शिकवा किसी से कुछ है शिकायत है, वी शेयर विथ हिम, आई शेयर विथ हिम, एंड वो जो है दैट इज वेरी पायस रिश्ता, बहुत ही पवित्र रिश्ता है कि हाँ आई नो स्वामी जी मेरे को ठीक गाइड करेंगे, स्वामी जी हमें ठीक ही रास्ता बताएंगे। तो अभी एंड लास्ट में मैं एक फिर लास्ट ईयर की तरह एक गाना गाऊंगी, तो मैं सुना रही हूँ क्योंकि हमारे सनसेट ईयर्स है, अभी हमें आगे का रास्ता देखना है और हमें आगे का रास्ता स्वामी जी ही दिखाएंगे। तो मैं इनके लिए दो लाइनें गाने, पागल मन का घायल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, आंख है धुंधली पंख है कोमल, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही हमें बदला, अब तू ही हमें बदला, के जाए कौन दिशा से हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर। बहुत अच्छा शिक्षक जी आपने बताया, दिल से शुभकामनाएं। तो स्वामी जी जैसे ही मैंने आपके दर्शन किए, आपका ज्ञान सुना, तो मुझे हरि कृपा से आपने अनुमत कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, और संत भी ऐसे मिले हैं ज्ञान के भंडार सरल, क्योंकि जीवों को जैसे मिलने चाहिए भगवान ने परफेक्ट वैसे ही संत हमारे कॉन्टेक्ट में ला कर देंगे। जैसे हम पहले गीता पढ़ते थे श्लोक को स्किप कर देते थे, तो आपने हमारे को वो श्लोक पढ़ने का साहस दिया,
हम काफी अब दिल से ट्राई करते हैं कि शुद्ध उच्चारण हो, एटलीस्ट अब हम श्लोक को स्किप नहीं करते, पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और गीता जैसे ग्रंथ को आपने हमारे अंदर इतना अच्छे तरीके से हमारे को समझा दिया कि वो एक प्रिय ग्रंथ बन गया। जैसे भागवत है और ये सारे ग्रंथ हमारे एक प्रिय ग्रंथ बन गए कि हम इनको और पढ़े और पढ़े और पढ़े। कई बार गीता ज्ञान जग में हम नहीं आ पाते, वो भी हमारी एक कलयुग जीवों के संसारी के मजबूरी होती। इस बार हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई तो इसलिए हम नहीं आ सके, तो पर हम दिल से बहुत मिस करते हैं कि आपका ये ज्ञान मिस हो गया। तो स्वामी जी मैं आपसे सबसे जरूरी जो बात है वो कह रही हूँ, जो आपका टाइम डिसिप्लिन है ना, हम घर वालों को बड़े कॉन्फिडेंस से कहकर आते हैं कि हम 8 बजे तक आ जाएंगे, ये तो कई हम प्रोग्राम में जाते हैं टाइम का पता ही नहीं होता कि कब वापस आएंगे। तो ये घर में भी हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट ये अफेक्ट हो गया, हम भी अपने काम को वैसे ही डिसिप्लिन में लाने की पूरी ट्राई करते हैं और हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। और इंटरनली जो पहले इतने बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों को लेके मुंह पड़ जाता था वो होता था, अब वो सब बंद हो गया। तो मैं अपने बाद में देखती हूँ कि ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, लगता है ये क्या बात है, इसके लिए तू डिस्टर्ब होना नथिंग इज परमानेंट। तो ये आपकी बदौलत है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। और जैसे ही मिशन में एंटर करते हैं, जैसे जेंट्स का कहते हैं ना कि जैसे ही घर का गेट क्रॉस किया तो उनके दिमाग में ऑफिस आ जाता है, फिर वाइफ ने कुछ मर्जी कहा वो सब भूल जाते हैं। तो ऐसे जैसे ही हम मिशन का गेट एंटर करते हैं तो पता नहीं क्या हरी कृपा हरी शक्ति है कि मन एकदम से लाइट हो जाते हैं। तो ये आपकी ही कृपा है, जो आपने हनुमान जी को इतना आपने पूजा की है तो वो तो फिर भक्ति के दाता है ही है, तो वो उनकी साक्षात कृपा हमारे को देखने के मिलती है। तो स्वामी जी मैं आपको हर दिल से ये कहती हूँ कि हमारे को तो ऑब्जर्व करने वाले 5-4 लोग ही होते हैं घर में, आपको तो हजारों लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्वामी कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे है आपके प्राइवेट लाइफ में भी। तो आपकी हिम्मत है इतने सब लोगों को बीच में रह के भी इतना स्टेबल होकर बैठना, हमारे को छोटी सी छोटी बात इतनी डिस्टर्ब कर देती है, सबके बारे में दुनिया कुछ 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 कहती है, पर आज ये बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आप बहुत बैलेंस अप्रोच के हो, कभी आप डिस्टर्ब नहीं होते। और सबको यही गलत फहमी रहती है कि स्वामी जी मेरे ज्यादा क्लोज है, स्वामी जी मेरे ज्यादा क्लोज है। तो ये जो है सबको मतलब गलत फहमी कह लो या आपका प्यार कह लो या आपकी सरलता कह लो, तो मैं कहती हूँ ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो स्वामी जी अगेन आपके चरणों में मेरा बहुत बड़ी थैंक यू निर्मल जी, बहुत अच्छा आपने बताया अनंदर जी से। हरिओम सर्वप्रथम स्वामी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की शैया पर सोते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना भला कौन महान हुआ है। चरित्र गठन के लिए शिक्षा मनुष्य का चरित्र विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है, उसके मन के समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख जो जो उसकी आत्मा पर होकर गुजरते हैं वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं, और इन्हीं विभिन्न छापों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमें हमारे विचारों में बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर पड़े उस हथौड़े की पड़ी चोट के समान है, और इससे जो हम बनना चाहते हैं वे बनते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंतः संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चरित्र पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यदि शुद्ध संस्कारों का प्रबल हो तो फिर मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है,
और यदि अशुभ संस्कारों का प्रबल हो तो वह बुरा कहलाता है। मन में ऐसे बहुत से संस्कार इकट्ठे होने पर वे आदर या अभ्यास के रूप में प्रणित हो जाते हैं। चरित्र तो पुनः पुनः अभ्यास के समष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही मनुष्य को जीवन का पुनर्गठन कर सकता है। हम गलतियां क्यों करते हैं? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों को बार बार ढक लेते हैं और फिर कहते हैं हाय ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। और जब हम अपनी आंखों से उन हाथों को फेर लेते हैं, उठा लेते हैं, तब वह रोशनी का जो प्रकाश हमें महसूस होता है वो हम कभी नहीं भुला सकते। ऐसे ही हमारे स्वामी जी हैं। किसी ने कहा है कि शिष्य के धन का हरण करने वाले तो बहुत से गुरु हैं, लेकिन शिष्य के दुख को हरण करने वाले गुरु दुनिया में दुर्लभ होते हैं और वो हमारे पूज्य स्वामी माधवानंद जी। इस बात में कोई वो नहीं रख सकता कि स्वामी जी से जब से हम मिले हैं, जब से आए हैं, तो सभी ने बहुत कुछ बता दिया, वही मैंने भी बताना था। बट मेन तो यही है कि जब से स्वामी जी हमारे साथ और हम स्वामी जी के साथ जुड़े हैं, हमारी मोटिवेशन, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिसिप्लिन घर में भी, आउटस्कर्ट्स में भी और हमारी फील्ड में इतना ज्यादा हो गया है कि जहां चिन्मय मिशन का इतना अतिरिक्त कहा कि इसको स्वरूप का इतना पता नहीं था, तो अब अगर हम किसी को बोलते हैं कि राम मंदिर वो जो पावन वाला है, हाँ वही ना जो पेट्रोल पंप के सामने है, जहाँ एक स्वामी जी हैं जो बड़े लाइक अ स्क्विरल है ना, एज अ स्क्विरल जो एक मिनट में काम करके दे दे। सो रियली स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा। इसके बाद में अनीता माथुर जी से। सबसे पहले तो मैं पूज्य गुरुदेव और स्वामी जी के चरणों में नमन करती हूँ और आज स्वामी जी को उनके जन्मदिन के इस अवसर पर, आज उनका 60वां जन्मदिन है जिसको हम षष्ठी पूर्ति कहते हैं, तो ये बहुत स्पेशल बर्थडे माना जाता है। तो आज उनकी इस षष्ठी पूर्ति पर हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं एंड वी विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मोर हैप्पियर वंस टू कम। तो आपको स्वामी जी षष्ठी पूर्ति की बहुत बहुत बधाई। और यूजुअली षष्ठी पूर्ति पर लोग रिटायर होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्वामी जी में बिल्कुल नया उत्साह है, जैसे किसी ने अभी अपनी जॉब शुरू करी हो उसको जैसा जोश होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी जी का जीवन भर ये जो उत्साह है उनका जीवन के प्रति, ये ऐसे ही बना रहेगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो कृपा भगवान की हम पर हुई है, अभी मेरे से पहले जितने भी लोगों ने अपने विचार रखे, सभी का एक मत जो कॉमन था वो ये था कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि या हमारे कुछ पुण्यों का ही फल है कि हमें इतने ज्ञानी, इतने उदार स्वामी जी मिले हैं। जितना कहा जाए उतना कम है, अभी सबने इतनी सब बातें स्वामी जी के लिए कही। तो कुछ और जो दो चार पॉइंट्स मैंने स्वामी जी के जीवन में ऑब्जर्व किए हैं, मैं बस उनके बारे में दो चार बातें करूंगी जो मैं उनसे सीख रही हूँ। ही इज आवर रोल मॉडल, ही इंस्पायर्स अस एवरी मिनट, एवरी मोमेंट। हम उन्हें देखते हैं तो इतना ऐसा लगता है कि हम क्या क्या सीख लें उनसे। एक जो चीज मैं देख रही हूँ स्वामी जी की, जो मैं सुनती भी रहती हूँ, जीवन में जो छोटे छोटे संकल्पों का महत्व है वो मैं देखती हूँ कि कभी मैं सुनती हूँ स्वामी जी ने ये संकल्प किया है कि अब वो ये नहीं खाएंगे, ये संकल्प किया है, और मैं देखती हूँ कि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में ये जो छोटे संकल्प है इनका बहुत महत्व है कि हम भी कोई भी एक छोटा संकल्प ले लें और उससे अपने को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें।
तो मुझे लगता है, और मैं कुछ कुछ चीजों में कोशिश भी कर रही हूँ कि जो स्वामी जी कहते हैं करते हैं वो हम भी अपने जीवन में करने की कोशिश करें। और ही इज अ मेटिकुलस प्लानर, ये तो अभी आप सबने देखा ही कि, तो दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम कि कोई भी ट्रिप, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम होता है उनकी इतनी प्लानिंग होती है पहले से। जब हम लोग पुरी जा रहे थे तो ही वांटेड टू कैरी सम बुक्स वहां पे ले जाने के लिए, तो उनकी इतनी अच्छी प्लानिंग थी, उन्होंने 5-5 बुक सबको दे दी कि आप लोग अपने सूटकेसेस में जब चाहे इनको एडजस्ट कर लें, बट वी हैव टू कैरी दीज बुक्स बिकॉज आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम ओवर देयर। तो मैं मन में सोचू, मैं कहूँ वहां कितनी पहले से हर चीज की प्लानिंग, जैसे कोई लड़की की शादी की हम प्लानिंग करते हैं। तो ही इज अ मेटिकुलस प्लानर। और जो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब मैं मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती हूँ, बातें होती हैं सब तरह की, इतनी उदारता है इनके हृदय में कि हर एक को माफ करना आता है, हर एक को क्षमा करना आता है, किसी की कितनी भी गलतियां हो। मैंने कभी नहीं देखा कि उसको कुछ ये कोई हार्श वर्ड्स कह रहे हो या ये कह रहे हो कि हाँ मैं उसको देखूंगा या मैं उससे मिलके उसको ये कहूंगा, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ऑलवेज वेरी जेनरस, ऑलवेज फॉरगिविंग। तो हम लोग भी अपने घर में जो भी हमारी टीम होती है वर्कर्स की, हम लोग उनके साथ कभी कभी उग्र हो जाते हैं, ये इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, बट दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। और एक और चीज जो मैं देखती हूँ उनके जीवन में कि संयम बहुत है, बहुत संयम में जीवन जीते हैं। खाने पीने का संयम, समय का संयम, हर चीज में बहुत ही संयमित उनकी लाइफ है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट एटलीस्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम जो हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा है, हम सब साधक ही हैं और हम इस अध्यात्म की यात्रा में हम अग्रसर हों, इसका वो पूरा प्रयास करते हैं कि हमें जितना ज्ञान, अभी मैं 2 दिन का मेरा ज्ञान ये मिस हुआ, तो आज मैं ट्रैवल कर रही थी तो रास्ते में ही मैं सुन रही थी जो ये तीनों गुणों के विषय में, और गुणातीत कौन है, उसके क्या लक्षण हैं। तो उसमें मैंने सुना, उन्होंने बताया कि ज्ञान की क्या उपयोगिता है, हम जो इतना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं इसकी उपयोगिता आखिर है क्या, क्यों हम इतना ज्ञान लेते हैं। तो इतना सुंदर उसका विवेचन उन्होंने किया है, तो सुन के दिल गदगद हो जाता है। और बार बार भगवान को यही हम धन्यवाद देते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर ये पात्रता है भी कि नहीं, कि हमें इतना अच्छा ज्ञान ऐसे यहाँ पे बैठ के आराम से मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बार बार भगवान को धन्यवाद करती हूँ। और एक कबीरदास के दोहे से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, जो मुझे दिल से फील होता है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी धरती कागज करूं, सारे समुद्रों की मैं स्याही बना लूं और सारे वृक्षों की मैं लेखनी बना लूं, तब भी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो हम चाहे कितने ही लंबे कागज पे कागज हम लिख लें, लेकिन जो स्वामी जी की एज अ गुरु जो हमारे जीवन में उनका रोल है, शायद हम उसका बखान कभी कर ही नहीं सकते। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि, और हम सबकी ओर से भी मैं स्वामी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ऊपर अपना वरद हस्त, अपनी छत्र छाया सदा बनाए रखें, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जैसे कि हम इस अध्यात्म के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहें और भगवान के चरणों में जो हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है, वो उनके जो ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं, जो भी कुछ हमें वो मार्गदर्शन देते हैं, उससे वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, भगवान उनको चिरायु करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, और ऐसे ही ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सदा उनका ऐसे ही देखते रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगी। हरिओम स्वामी जी, हरिओम ऑल मेंबर्स। स्वामी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हो। तुम हो जितने भी देवी देवते हैं सबके आगे मैं यही प्रे करूंगी कि आप यंग रहें। क्योंकि आप यंग रहेंगे, जैसे कि हम टूर पे गए थे अभी, तो स्वामी जी इसे देखा जाए कि सब ओल्ड एज के थे, मैं यंग थी, स्वामी जी मेरे साथ चल रहे थे,
मतलब सभी लोगों को पीछे पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा कि टाइम टेबल पर उठना। फिर सबसे पहले स्वामी जी गाड़ी के पास खड़े होते थे, फिर स्वामी जी बोलते उन सभी को खींच कर लेकर आओ टाइम पे, कि इनका जो टाइम टेबल देखा, एक जैसे कहते हैं एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। मैं तो यही प्रे करूंगी कि आप यंग रहें, ऐसे हमें घुमाते रहें। और मेन चीज जो आप एक मेडिटेशन के साथ जोड़ रहे हो लोगों को, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक लोगों की इच्छा होती है जैसे कि धाम पे घूमना और मेडिटेशन करना, यही सबसे बड़ा मैं तो मानती हूँ कि दौलत है इंसान के लिए। और जो लोगों के लिए पैसा पूसा मुझे ये मैटर नहीं करता, मेन चीज जो दौलत है वो स्वामी जी आप सभी को दे रहे हैं। ते दिल से थैंक्स आपको, धाम पे के बड़ा अच्छा लगा, और आपके बस यही लंबी आयु के लिए मैं प्रे करती हूँ, और आप खुश रहें और तंदुरुस्त रहें और यंग रहें। थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी बर्थडे। हरिम स्वामी दंडवत प्रणाम। प्रार्थयामहे ईश्वर सदा त्वां च रक्षतो। हरिम स्वामी, मैं आपके तारे में जा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल से हम आपके साथ हैं, आपने कभी भी किसी चीज की फील नहीं करवाया। मैं बहुत दूर रहता हूँ अपने घर से भी, आपको पता है, सब सभी को पता है। आप मैं कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, कभी कभी रूठ जाता हूँ। आप छोटा सा, आपका सबसे छोटा सा सिंह तो होगा, सबसे छोटा लाडला प्यारा शैतान। फिर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लगता है कि हम अपने ही के साथ गए हैं। कैंपिंग भी करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ भी कभी कभी कैंपिंग करते हैं तो लगता है कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो हमें चाहिए वाइफ, चाहिए वर्ल्ड सिटीजन का अलग गया, अब मजा नहीं आता उन लोगों के साथ। हमें आप ही के साथ जाना है। ऐसे ही हमें साथ में लेते रहिए, हम ऐसे आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे, योगो योगो। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, शुभ तवर जन्म दिवस सर्व मंगलम, जय 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 तव चित्त साधनम, सुख शांति समृद्धि चित्त जीवन, शुभ तवर जन्म दिवस सर्व मंगलम, जन्म दिवस कोटि सहस्र शुभकामनाएं। हरि स्वामी। सब कुछ मैसेज देगा, मैसेज हरि हरिओम। एक अनाउंसमेंट बोल रहा है पंजाबी से, आपा सारा ने अपने बोलो स्वामी जी ने अपने तेरे दिलों प्रकट अपना अपने भाव प्रकट करने के गिफ्ट वगैरह दीता। स्वामी जी के ऐड ऑन ने सारा ले ली कि जिवें पिछली बार आपा ज्ञान लेके कराए थे तो चीफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब ने अक्तूबर दे एंड या नवंबर दे फर्स्ट 3 दिवसीय फेयर स्पॉन्सर किया ऑन बर्थडे स्वामी जी के बर्थडे पर। वेरी गुड, थैंक यू। समझ में आ गया ना, इसलिए पंजाबी में बोला। बहुत जन्मदिन की बधाई हो, मैं तो आपके जन्मदिन पर सब बहुत बोल चुके, मैं इतना आ भी नहीं पाती, पर मेरे को आप बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हो, और मैं दो शब्दों में दो लाइनों में आपका अभिनंदन करूं। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी जैसे, सतगुरु पे आनंद ही आनंद बरस रहा मैं वारी जैसे, सतगुरु पे गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया, गुरु प्रेम बगीचा लगा दिया, अब खिली है सी फुलवारी, अब खिली है सी फुलवारी,
बलिहारी जाको ने संग गुरु पे मैं बारी आपो ने संग गुरु पे आनंद ही आनंद बरस रहा। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आनंद होता है मुझे क्योंकि शुरू से ही हम तो यही चाहते हैं और यही चाहते रहेंगे। हरिओम। ओम श्री शंकरदेव नमः। सवेरे में ऑनलाइन क्लास लेता हूँ इंडिया में, कंटिन्यू चल रहा है उपदेश। कल खत्म हुआ, आज हम लोगों ने कैसे किया, हमने सजेशन दिया था। 9 लोग ने कहा है, 9 और बड़े डिसिप्लिन में कहा। मैं उस समय बाद में भी कहा, मुझे अनुभव ये हो रहा है कि ये एक माध्यम है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का, मगर आप लोगों के अंदर जो प्यार है, वो प्यार का जो एक्सप्रेशन है मेरे प्रति, ये दिखाई दिया, मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अभी जैसे ऑनलाइन में भी है, उन्होंने सवेरे कहा था वो भी सुन रहे, जो नहीं कहा था भी वो भी सुन रहे। वहां पर भी मैंने कहा था कि कम लोग बोले, 9 लोग को वो हमने ही चयन कर दिया। यहाँ पर मैंने पुष्पा को दायित्व दिया कि आप कर लो, कौन कौन बताएगा। इन दोनों में मैं अनुभव यही किया कि आचार्य के रूप में जब हम रहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी सेलिब्रेशन होता है, जो गुरु दिवस या गुरु व्यास पूजा, ये एक मौका है शिष्य को एक्सप्रेशन का, अपने ज्ञान, अपने आचरण, अपना जो सीखा है। ये आप लोगों ने जो बताया अभी, मैं ये अनुभव कर रहा कि आप लोगों ने क्या सीख लिया, क्या आपके अंदर जो प्यार है, इतने में काबिल नहीं हूँ जितने कुछ कुछ आपने बताया कि मैं अनुभव करता हूँ। मैं ये अनुभव करता हूँ बस, ये मैं गुरु को, किसी ने एक मुझे दिया है आज बर्थडे में, पूज्य गुरुदेव के स्पेशल चाइल्ड के जन्म दिवस पर हार्दिक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लिखा कि थैंक्स फॉर योर स्पेशल मैसेज। बस यही अनुभव करते हैं कि उन्होंने ये हमें एक सील दिया, एक उपाधि दी, गुरुदेव की स्पेशल चाइल्ड। तो जो भी कुछ हमें मिलता है, मिला है गुरुदेव एंड गुरु जी से, वही हम दे रहे हैं। और आप लोगों का प्यार, जैसे 4 साल में अभी हो गया है, 2020 में आया, 4 साल में इतने प्यार मिला। ये फंक्शन में पहले नहीं होता रांची, यहाँ आप लोगों ने शुरुआत कर दिया, तो मुझे भी यही। मैं जैसे उस दिन मीटिंग में बात कर रहे थे कि कहीं कुछ होटल में जाएंगे, कुछ अलग प्रकार के करें, तो हम उसमें सहमत नहीं हो पा रहे थे। प्रोग्राम के बाद जाए, खाएं पिए, मजा करें, पर प्रोग्राम रहे क्यों, इसी बहाने 10 लोग को बोलने के लिए मौका मिलता और कुछ लोग सुनने के लिए मौका, एक दूसरे से बात करते। सच लोग बढ़िया जवाब है, बहुत ही अच्छा है, क्यों आप इतने प्यार करते, इतने प्यार करने वाले, ये मैं अनुभव कर। इसलिए पहले भी गीता जो प्रवचन हुआ, उसके बाद हमने ये नियम बनाया कि अध्याय के बाद कुछ कुछ बोलने में, फिर छूट गया, मेरे टूर रह गया। और गीता के बाद हम लोग का यहाँ फंक्शन बहुत होता रहता है, हवन होता है, उस दिन क्लास में
हमसे मानस पाठ सुंदर का कुंदर क्लास पर गुरु पाद का कुंदर क्लास पर और कुछ हो गया तो क्लासेस न होने के कारण ज्यादा हमने वो बंद कर दिया। अगर एक दिन मीटिंग में बात के हुई तो नहीं समझ के वो जो हाँ अच्छा है जैसे गुरुदेव बोल रहे थे ना कि एक मौका मिल रहा है बोलने के लिए तो इसलिए कल से ये आपको आना है कल लंच परसों दो दिन क्योंकि ऑनलाइन लोग भी बोल रहे हैं कि हमें भी तो मौका दो हम बोलने के लिए तो इसलिए आप लोग बोलिए सब लोग 15 15 12 13 में 14 अध्याय का ऐसे जैसे आपने तो कहा है ना मैं स्टेज में स्ट्रिक्ट रहना है और बाद में तो मैं थोड़ी कहूंगा कि ये गलत किया वो गलत किया है ना तो आप बोलिए अपने भाव से सब लोगों ने अपने भाव वर्णन किया मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य परिप्रेक्ष्य कल दो दिन आप गीता 14 चैप्टर जो आपने लिखी सुना और गीता 14 चैप्टर बहुत ही सुंदर है गुण त्रय के बारे में अपने मन के बारे में आप बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू। अभी जो कार्यक्रम है मैं नीचे आ रहा हूँ एक ममता दंता जो यहाँ आई थी आप लोगों के बाइट में ली थी उन्होंने 7 मिनट का एक फोटो जो कुछ कलेक्शन है और विशेष करके साउथ इंडिया का अभी उत्तर काशी गए थे चार धाम का है कुछ फोटोस उन्होंने एक रखा है तो उसको हम स्क्रीन में 7 मिनट देख लेंगे उसके बाद मैं तो आ ही गया है नीचे और जैसे कहा गया कि मैं स्टेज में बैठता हूँ तो स्टेज जब नीचे आ जाता हूँ तो अभी आपके हाथ में आप जो करोगे जब मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप जो करोगे मैं तो मान लूंगा ठीक है तो इसके साथ थैंक यू और यही आप लोगों के प्यार मैं कभी कभी ना जैसे आप लोगों ने पर्सनल बातें हुई मैं भी रांची में जब था कुछ कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम रहता था जो यहाँ नहीं एंड कुछ हाँ बिल्कुल नहीं है 4 साल हो गया ना बल्कि सब मेरे ऊपर निर्भर करते जो मीटिंग होता है समझिए आप जो बोल रहे वही हो ये कभी मैंने रांची में नहीं सुना यहाँ डिस्कशन होता है और फाइनल करते आप जो बोल रहे वही करेंगे मैं ना बोलता हूँ तब ना हो जाता है हाँ बोलता हूँ तो हाँ ये तो कभी कभी लगता था कि हम ट्रांसफर होके निकल जाए और अल्टीमेटली आया आपके पास मगर बीच में मैं एक सूत्र बोला था कि जो क्लास अटेंड करते थे चार चार जगह क्लास था पुण्य आश्रम में आनंदमय आश्रम में और दो जगह पर तो जो बातें होती थी ट्रांसफर के बारे में वो दुखी हो जाता नहीं 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 आप क्लास कर रहे हो गिटार ले रहे हो सोचो चार चार क्लास छह दिन तो मैं कहने आप लोगों के प्यार के कारण तो मैं रह रहा हूँ छोड़ो तो वो मैनेजमेंट बुली मत आप लोग इतना प्यार देते हो इंटरेस्ट रहते हो कि कब गीता क्लास होगी सोचते भी है और व्यवहार की दृष्टि से स्वामी जी क्या खाना पसंद करते हैं स्वामी जी के लिए कुछ खाना दे कुछ फूल दे कुछ दे ये जो प्यार है उसके कारण तो मैं रह रहा हूँ इस बात मैं खुद जब बात करता था उसी बात को मैं अनुभव भी करता था इसीलिए वो जो मैनेजमेंट के बातें इधर उधर के बातें ध्यान में अरे ये मेन जो मैंने बोला है उसको जीना उनका जो प्यार है यही चीज है यहाँ तो कभी भी 4 साल में एक दिन भी मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि नहीं नहीं कुछ ऐसे कमिटी के साथ लिबर्टी के साथ कुछ भी नहीं हुआ क्यों आप इतना प्यार तो इसलिए आपको जो प्यार है ये केवल 4 साल नहीं तो आपने कहा 40 साल 400 साल चुग चुग बोलते ना चुग चुग जीरो तो चुग चुग रह रहा है अनुभव कर रहा हूँ ये रहेगा क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन थैंक यू। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और अभी जैसे बताया मैं नीचे आ रहा हूँ स्क्रीनिंग होगा देख लीजिए उसके बाद अभी पुष्पा मा मुझे जैसे नचाएंगे वैसे नचूंगा गोपियां जैसे भगवान कृष्ण को नचाते थे तो इसलिए भक्तों के माध्यम से जैसे बोलोगे मैं वैसे थैंक यू कुछ बोल रहा है आओ बोलो बोलो सबसे प्यारी चीज है
एक स्वामी जी ने सबसे बढ़िया हमारे राम मंदिर है ना इसकी इतनी मशहूरी करते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना इंडिया की, हमारे इंडिया में राम मंदिर इतना मशहूर हो गया कि लोग आके यहाँ पे जब आके रहते हैं फिर स्वामी जी जब उनको सनन भी दिखाने लेकर जाते हैं तो मेरे को कितना अच्छा लगता है। अमृतसर लेकर जाते हैं, सनन लेकर जाते हैं, जो लोग आकर रहते हैं राम मंदिर की, देखो कितनी महिमा हो रही है पटियाला के बारे में। ओनली ब्यूटी स्वामी जी, थैंक यू सर। जो हमारे बोल रहे थे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब जैसे भी क्लास चल रहा है और मैं उड़ीसा के रहने के कारण इतना साल में 42 ईयर्स हो गया, रांची में 11 साल 14 साल, फिर उड़ीसा में, फिर अभी तो रह रहा हूँ, ये और ये तो छक्का चौका लगेगा, सब क्रॉसओवर कर लेगा, अतिक्रमण कर लेगा सब। तो वो लोग व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, प्यार करते हैं, सब आते हैं यहाँ पर रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, और आप लोग कमेटी के कारण स्पेशली डॉक्टर राज के और हमारे कमेटी में जितने लोग है, पुष्पा हमारे टीचर थे, इतने हमारे करुणा वाले स्वामी जी को सब फैसिलिटीज रहे, तुरंत 4-5 महीने में मुझे कार मिल गई, मेरे कभी सोचा भी नहीं था। तो वहां तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है कार करने के लिए, तो तुरंत मिल गई। और मैं सोचता हूँ कोई भी डिवोटी आते हैं तो हमारे जो पटियाला में फर्स्ट है गुरुद्वारा है दुख निवारण, तो वहां लेता हूँ और वो एग्जीबिशन जरूर लेता हूँ, और मैं 20 मिनट तक रखता हूँ, 20 मिनट में खुद देखता हूँ, मैं याद करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में ही है वो भगवान को आंखों में मारते हैं, तो वो कहते हैं सब मेरे शरीर को मारा मगर ये काम छोड़ दे, क्यों, इसी आंख से मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। सोचो कितना अच्छा लगता है, तो मैं घुमाता हूँ, फिर वो तालाब लेता हूँ, कहता हूँ पानी पिए, तो वो चरणामृत है। उसके बाद में जब शरण देता हूँ, और भी है जो मंदिर है, और काली मंदिर तो पहले पहले मैं माधव से भी लेता था कि माधव कोई आ रहा है तो रहो, तो अब आजकल मैं जान लिया तो खुद ही निकल जाता हूँ, आधा घंटा तो एंड जरूर हम शरण दें, उनको दिखाते हैं कि देखो गुरु गोविंद सिंह के दो भाई दो पुत्र उन्होंने क्या बलिदान नहीं किया, और टोटल वर्ल्ड के जो त्याग है, और उस जमीन के बारे में कार में ही कहानी कहानी बता देता हूँ, और अम्मा के पास जरूर आते हैं सदन, चलिए हम अम्मा मैं आ रहा हूँ। तो जितने भी सवेरे हो या शाम को हो, अम्मा भी अपना समय सब छोड़ कर कैसी सो बिजी टाइम दे देते, लगभग 1.5-2 घंटा हम अम्मा के पास बिता लेते हैं, वही बता रहे थे हमारे। एंड जो भी डिवोटी आते हैं इतना खुश होते हैं हमारे पटियाला में, और आप लोगों का जो प्यार सब याद करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, अब जैसे डॉक्टर शशि है, डॉक्टर राज, उनके जो प्यार है, आप लोगों का प्यार है, यही दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। थैंक यू। अब हम स्कूल जीवन,